नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अर्चना मिश्रा। अपनी पूरी टीम के साथ जे जे यहाँ पे आई हुई हैं एंड वी आर सो ब्लेस्ड टू बी हियर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल ऑन 22nd ऑफ जून इन हॉकस थिएटर। तो अर्चना जी, आपने प्ले किया था योर चॉइस में, हमने कैनबरा में तो देखा था। आपने कई सारे प्ले किए होंगे सिडनी में। Yeah, it's a very, very different play. So this play is a dramedy. So it's a comedy and drama mix. Yes. It's a full entertainment and you will leave laughing and with on a very high note. And of course, there is always a message in all of JJ's play, and this play is the same. But it's full of comedy. We are enjoying rehearsals at the moment, and you will enjoy the show as well. क्या बात है? सौरभ, कुछ बताना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। नमस्कार रेडियो मनपसंद के सारे श्रोताओं को, प्यार भरा नमस्कार। मैं सौरभ दातार इस प्ले में एक किरदार निभा रहा हूँ जिसका नाम है गौरव, और उसी के साथ जे जे को असिस्ट भी कर रहा हूँ डायरेक्शन में। प्ले के बारे में अगर बताओ तो ये ऐसी कहानी है जो हम हमारे आजू बाजू में देखते ही हैं, स्पेशली इमिग्रेंट्स जो है, हम जैसे जो यहाँ पर आए हैं और कई सालों से यहाँ है, तो सारे फेजेस जो है इमिग्रेंट्स की, वो आपको इस नाटक में देखने को मिलेगी। राइट फ्रॉम एंटरिंग अंटिल यू आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू इयर्स हियर। सो उसी के बारे में ये कहानी है, आप लोगों की कहानी है, हमारी कहानी है, तो ज़रूर देखने आइएगा। एंड आई एम श्योर यू विल एन्जॉय। एज अर्चना सेड, हम जोरों शोरों से प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, प्रोसेस एन्जॉय कर रहे हैं, और वो एफर्ट होपफुली आपको 22 जून को कैनबरा में और 16 जून को सिडनी में देखने को जरूर मिलेगा। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, वेरी गुड। सौरभ इज नॉट न्यू टू थिएटर, आप थिएटर बहुत किया, आपने मुंबई में किया है और नासिक में किया है थिएटर। शुरुआत हुई थी वैसे कई सालों पहले, जब मैं नाइन्थ क्लास में था तब पहली बार स्टेज पे काम किया था। फिर तब से जो सिलसिला चालू है वो तो चालू ही है। अच्छा, बीच में 10 साल का हायाटस था, पर काम के सिलसिले में सिडनी आने के बाद, पर अभी पिछले 4 सालों से फिर से शुरू हो रहा है। और 5 साल पहले मेरी और मेरी वाइफ ने यहाँ पर एक शो भी किया था, अगर आपको याद होगा मनीष जी, आप अंधी दौड़ के दौरान ही था वो, तो वो मेमोरीज अभी भी जब मैं आज यहाँ पर आया तो ताजा हो गई मेमोरीज। तो इट्स रियली नाइस टू कम बैक हियर, यस, एंड प्रमोट आवर शो। यस, थैंक यू। जी, मैं बस यही कहना चाह रही थी कि जो मेरी सुपर टीम है, एक एक आर्टिस्ट इसमें, दे आर सो कमिटेड, डेडिकेटेड, मतलब दे आर ऑल इंस्पिरेशनल। यस, सौरभ इतने आराम से, बड़े आराम से बोल रहे हैं कि हाँ मैं करता हूँ। ही इज अ जेम ऑफ एन एक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, मतलब इट्स माई, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हिम एज असिस्टेंट डायरेक्टर। बहुत नॉलेज है और बहुत ही डेडिकेशन है। और ये जितने आर्टिस्ट यहाँ बैठे हैं, अर्चना, सिमरन, तरुण जैन, टीजे के लिए तो क्या बोलूँ, यहाँ से आना वहाँ कैनबरा से सिडनी आना रिहर्सल्स के लिए, मतलब विदाउट एनी फस आते हैं बिल्कुल ऐसे रेडी, चलो स्टार्ट करें। देन सरवत, मतलब अ ब्रिलियंट फाउंड फॉर मी, सो हैप्पी। एंड ऑफ कोर्स वन एंड ओनली ऋषि दवे, सिडनी के सुपरस्टार, मतलब सिडनी में तो अब थिएटर होता है तो मतलब पीपल कम टू वॉच ऋषि, सो दैट्स द स्टेटस कि अच्छा ऋषि है उसके में चलो चलते हैं, है ना। तो अब मतलब ऋषि पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा आ गया कि हाँ और अच्छा करते जाना है। तो व्हाट आई वाज जस्ट सेइंग कि ये सब बहुत कमिटेड, बहुत डेडिकेटेड एक्टर्स हैं, और जितना वो इस प्रोसेस को सिंसियरली कर रहे हैं, दैट शोज इन द परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। सो वंस अगेन, अ प्ले नॉट टू बी मिस्ड। क्या बात, बहुत बढ़िया। ज्योत्सना जी, आप तो जैसे मैंने कहा कि एक आम इंसान को तराशती हैं, उसके बाद उस जेम बनाने का काम तो आप ही करती हैं, मतलब ये तो ऑलरेडी थे। हम जैसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने जो कभी स्टेज कभी हमने किया नहीं और उनको जेम बनाया। बात हो रही है एक आर्टफुल शाम की, तो एक प्यारा सा गीत तो बनता है जी। एक शाम की बात हो रही है कि एक हसीन शाम को मेरा दिल खो गया। चलिए एक प्यारा सा गीत ये हो जाए और आप लोग कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए। जी आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, 24 घंटे सातों दिन आपके हाथ में, आपके साथ में। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष।